बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने जा रहा हूँ रावलपिंडी बोर्ड में अपीयर होने वाले तमाम तलबा जो कि प्राइवेट अपना एडमिशन भेजना चाह रहे हैं। तो रावलपिंडी बोर्ड ने अभी अपनी नई पॉलिसी के मुताबिक इस चीज़ का ऐलान किया है कि तमाम जितने भी प्राइवेट अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उन्होंने ऑनलाइन अपना एडमिशन बोर्ड को भिजवाना है। तो आज मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूँगा, इसकी का तमाम डिटेल शेयर करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है। तो सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आके लिखना है रावलपिंडी बोर्ड। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास ये जो पहले वाली लिंक खुलेगा ये रावलपिंडी बोर्ड का होगा। बोर्ड की मेन वेबसाइट जैसे ही ओपन हो जाएगी तो आपने ये जो एक अपडेट चल रहा था COVID-19 का, इसको आप क्लोज कर देंगे। यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपके पास आ रहा है एडमिशन, आप एडमिशन के अंदर चले जाएंगे। एडमिशन के अंदर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे पूरी पॉलिसी आपको नजर आएगी, जहाँ पे लिखा होगा कि अगर अप्लाई करना है रेगुलर स्टूडेंट ने अप्लाई करना है तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, प्राइवेट स्टूडेंट ने अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लिहाजा उनकी आसानी के लिए मैं इस पर करता हूँ। तो प्राइवेट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे दो आपके पास कैटेगरीज आ जाएंगी, आप फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने पहले आइकन को क्लिक करना है। अगर आपकी ऑलरेडी रावलपिंडी बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो फिर आप सेकंड पे क्लिक करेंगे। अगर आप रीअपियर हो रहे हैं तो फिर आप थर्ड आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसमें आपने अपना पुराना रोल नंबर और किस साल आपने पेपर दिया था वो सारी डिटेल बतानी होगी, क्यों कि आपकी रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुकी है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा अपीयर हो रहे हैं और एज ए फ्रेश कैंडिडेट के अपीयर हो रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर आप पहले वाले पे क्लिक करके प्रोसीड कर दें। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर जैसे ही ये फॉर्म खुलेगा तो सबसे पहले आपने अपनी इसमें पिक्चर अपलोड कर देनी है। तो यहाँ से आप चूज फाइल करें और आपने अपनी पिक्चर जहाँ पर रखी होगी डेस्कटॉप के ऊपर या किसी भी डी या ई ड्राइव के अंदर, तो वहाँ से आप अपनी पिक्चर उठा लेंगे। अभी ये पिक्चर एक पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ से मैंने ये पिक्चर उठा ली है। आप जैसे ये पिक्चर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। लेकिन पिक्चर के मुतालिक एक बहुत अहम बात याद रखिएगा कि आपकी जो पिक्चर है वो कंप्रेस होनी चाहिए और पिक्चर का साइज जो है वो 20 KB 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अमूमन जो पिक्चर होती हैं उनको थोड़ा कंप्रेस करना पड़ता है, तो पिक्चर को कंप्रेस करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑनलाइन वेबसाइट है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके जाके आप अपना इमेज कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास पिक्चर्स होती हैं पासपोर्ट साइज वो 200 KB या 250 KB की होती है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो अपलोड नहीं होगी। तो उसको अपलोड करने के लिए करने से पहले आपने क्या करना है, उस पिक्चर को कंप्रेस कर लेना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आपको जिस वेबसाइट का लिंक दिया है उस पे जाके आप ऑनलाइन इजीली इस पिक्चर को कंप्रेस करेंगे तो तकरीबन वो 13-14 KB की पिक्चर बन जाएगी। अब आपने यहाँ पे अपना ये पूरा फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, ठीक है, आगे फिर आपने अपना फादर नेम लिखना है, ठीक है ना, फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है जी, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका नहीं है क्योंकि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना फादर का CNIC नंबर लिखना है, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है ना। मोबाइल नंबर में एहतियात करनी है कि मोबाइल नंबर गलत ना हो, क्योंकि बोर्ड की बाद में आपके साथ जो भी कोरेस्पॉन्डेंस होगी वो इसी फॉर्म के थ्रू होगी, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ बे फॉर्म नंबर है वो लिख देना है, ठीक है ना। फिर अगर आपका कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, यानी आपके चेहरे के ऊपर तिल है, कोई और हाथ के ऊपर कोई निशान है, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो मैं अभी मोल ऑन फेस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये एक बोर्ड की एक फॉर्मेलिटी है, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। मोलान फेफ यानी चेहरे के ऊपर एक तिल है। यहाँ से फिर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि अटक, जेलम, चकवाल, रावलपिंडी, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है आप, तो वो आप लिख दें, अदरवाइज आप इसको ना नहीं रहने दें। जेंडर में आपने लिखना है कि मेल है या फीमेल है। आगे सारी सिलेक्शन यहाँ पर हो चुकी है। फिर यहाँ से आपने अपना मीडियम सेलेक्ट करना है कि आपका उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। तो मेरा उर्दू मीडियम है तो मैं उर्दू पे सेलेक्ट करता हूँ। हिफ्ज़े कुरान, आपने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है तो यस पे क्लिक करें, नहीं किया हुआ तो नो कर दें। आगे आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है।
फिर आगे प्रपोज सेंटर आपने लिखना है, तो सबसे पहले आप इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर तहसील, डिस्ट्रिक्ट चकवाल है, मेरी तहसील तेलादांग है, तो उसके बाद आपने अपना सेंटर सिलेक्ट करना है कि किस जगह पे आप अपना सेंटर रखना चाहते हैं। तो ये मैंने अपना सेंटर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो ग्रुप पे आ जाता है, कहता है कि आप अपना ग्रुप, अगर आप आर्ट्स में पेपर दे रहे हैं तो फिर आर्ट्स पे क्लिक करेंगे, साइंस पे कर रहे हैं तो फिर साइंस ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आगे डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स दिए हुए हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे है आप इस लिस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो फिर आपने सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपसे डेटाबेस सिस्टम पूछेगा कि आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एक दफा फिर केयरफुली देख लें, क्योंकि जब एक दफा आपका फॉर्म सेव हो जाएगा तो फिर दोबारा आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। आपने इसलिए आपने एक दफा इसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेना है कि कोई चीज गलत तो नहीं लिखी हुई, कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दें, तो ये ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि जी, तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपका फॉर्म सेव हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट ये ऑप्शन आ जाएगा कि डाउनलोड एंड प्रिंट फॉर्म। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फॉर्म बे लिखना है, और फिर यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, फिर आपने डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका फॉर्म डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आपने अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये तो डाउनलोड होने के बाद ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जिसमें सारी डिटेल लिखी होगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ आपका चालान भी होगा, ठीक है ना। चालान की जो चार कापियां होंगी, उसकी चौथी नंबर की जो कापी है वो आपने इसके फॉर्म के साथ लगा के बोर्ड को जमा करवानी होगी। आपकी जो टोटल फीस है वो 2,280 रुपये है, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस सब कुछ शामिल है। तो ये आपने फीस हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवानी है, और जमा करवाने के बाद ये जो नीचे आपका फॉर्म आ रहा है, ये पूरे का पूरा फॉर्म आपने लगा के ग्रेड 17 या इससे अबव के किसी भी गजटेड ऑफिसर से आपने अपना ये फॉर्म जो है ना अटेस्ट करवाना है, ठीक है ना। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसके प्रिंसिपल से आपने अटेस्ट करवा लेना है। अटेस्ट करवाने के बाद चालान की कॉपी इसके साथ लगा के ये आपने रावलपिंडी बोर्ड के एड्रेस के ऊपर, सिक्रेसी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी के एड्रेस के ऊपर आपने इसको बाई पोस्ट रजिस्ट्री करके भिजवाना है। रजिस्ट्री लाजमी करनी है आपने, क्योंकि रजिस्ट्री जब आप करेंगे तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होगा। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का, रावलपिंडी बोर्ड का पूरा प्रोसीजर पता चल गया होगा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।